सीन ऐसा है कि ये फोन तो चार्ज पर है लेकिन चार्ज का हाल है ये बड़ा बोल। यहाँ भी सीन ऐसा है कि 11:05 हो रहे हैं और हम यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं, तो अभी फिर इसके बाद यहाँ से जाएंगे स्टेशनरी शॉप, वहाँ से स्टेशनरी लेंगे और फिर वहाँ से अपने पेपर मिट का पेपर देने के लिए जाएंगे। आपसे मिलते हैं मिट के पेपर के बाद, दुआ कीजिएगा हमारा पेपर अच्छा हो। हाँ भी सीन ऐसा है कि स्टेशनरी शॉप में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि A4 पेपर अपने पास है और हमें टेबल प्रिंट आउट करवाना था, तो वो प्रिंट आउट करवाने के 400 रुपये लगे थे। तो हम अपने डिपार्टमेंट आए, डिपार्टमेंट वाले थोड़ी सी बात बात थी कि भाई दे दो पेपर के बाद वापस करवा दूंगा, तो 400 बच गए हमारे, उन्होंने हमें दे दिया। हाँ भाई सीन ऐसा है कि मिड टर्म दे दिया, मिड टर्म बहुत टाइट हुआ, आधे घंटे पहले पेपर हो गया। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं आधे घंटे पहले पेपर दे के आ गया, वरना मैं मोस्टली पेपर होने के बाद भी बैठा रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। अभी ये जो हम टेबल लेकर आए टेबल वापस करना है, तो उसके बाद यार नमाज़ पढ़ेंगे। फिर शहूद भाई ने बुलाया, शहूद भाई ने घर आ जाओ आज मेरे, तो शहूद भाई के घर जाएंगे। हाँ भाई सीन ऐसा है कि नमाज़ पढ़ी जा चुकी है और अभी हमें जो है ना हर जुम्मे के बाद जो है वो एक कुल्फ़ी होती है, कुल्फ़ी खाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी खूबसूरत सी मस्जिद है, तो अभी जा रहे हैं कुल्फी वाले के पास। उसके बाद आपसे मैं सर यहाँ 92 से आ रहा हूँ। और कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपका बच्चों के साथ? बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जो बच्चे आपसे डील करते हैं कैसे डील करते हैं? कैसे? बहुत ही अच्छे डील करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे बस। अगर आप मुझसे पूछें ना कि भाई यूनिवर्सिटी की सौगात क्या है, तो आप कहूँगा ये कुल्फी जो है वो इस यूनिवर्सिटी की सौगात। अगर आप यूनिवर्सिटी एनडीए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ भाई, दो तीन दिनों बाद वीडियो बनाने की वजह ये थी कि मैं कुछ दिनों तक बीमार था। फिर उसके बाद मेरे बाबा लास्ट संडे को जो है वो पाकिस्तान से बाहर गए, तो फिर मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया। फिर उसके बाद आज मैंने आपको जैसा पता है मिट दिया, तो थोड़ा सा उसी मिट की तैयारी में और काफ़ी कुछ चीज़ें और थी उनमें मसरूफ़ हो गया था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब हम दोबारा से वीडियो स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे वैसे एक और 2 मिनट्स भी हैं, एक जो है वो ट्यूसडे को और एक थर्सडे को, लेकिन फिर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे रोज़ डेली अपलोड करेंगे। मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। संडे तक मेरे बाबा जो है वो हमारे साथ थे, संडे को वो ट्रैवल करें हम पाकिस्तान से बाहर, तो मतलब जब वो घर पे थे वो थे मतलब, तो घर बड़ा था, अच्छा रौनक आ जाता था। अभी वो जब घर पे नहीं है तो मतलब हम सब वैसे अपने कामों में लगे रहते हैं, घर पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ना वीरान सा घर नहीं हो जाता, बिल्कुल हमारा घर वीरान हुआ है। भले जब वो होते थे सो भी रहे होते थे ना, तो हमारे घर पर एक अलग सी रौनक होती थी। तो मुझे, मैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सब बताने की वजह ये है कि माँ बाप की एक अपनी प्रेजेंस होती है और बच्चे उस चीज़ को फील करते हैं, भले वो एक्सप्रेस करें या ना करें लेकिन वो उस चीज़ को फील करते हैं। अभी शहूद भाई का जाना था, लेकिन शहूद को किसी काम से जाना है, तो अभी हम इम्तियाज़ देंगे, वहाँ से हमें खरीदने खालिद शहर और फिर वहाँ से हम अपने खालों को पिक करेंगे, अपने वाले घर जाएंगे। आज अब उन्होंने देखा होगा कि मेरे आज कोई भी दोस्त नहीं आया था, तो आज मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को मिस किया, लेकिन एक दोस्त है जिसको मैंने आज बहुत ज़्यादा मिस किया और उससे मेरी कोई चीज़ों से बात नहीं हो पा रही है। भाई अगर तुम सुन रहे हो तो मुझसे बात करो, टॉक टू मी, ओके? हाँ भाई सीन ऐसा है कि शहद भी ले लिया और खाला को भी घर पर ले आए, अभी मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। फिर इसके बाद 6 बजे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आई सेट चेक करवानी है। बकरा ईद में मेरे आँख में बकरे ने सींग मार दी थी, तो उस वक्त तो इतना कुछ नहीं हुआ, दर्द अभी थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होता है इस वाले आँख में, तो वो चेकअप करवाना है, आई सेट भी चेक करवा लेंगे। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो मेरे चश्मे के एक स्टिक भी टूटी हुई है, तो वो भी सही करवानी है। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाँ भी सीन ऐसा है कि जब मैं सो के उठा तो बड़ी सुस्ती हो गई और फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सका, बस ट्यूशन पढ़ाई घर आया, घर आके पाकिस्तान का मैच देखा, मैच देखे फारिग हुआ हूँ। पाकिस्तान को टारगेट मिला 220 का, मुझे लगा एक और जो है रिकॉर्ड चेज होने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि डकी भाई के मैच देखने आया, वो जिनको पता है उनको पता है। तो बस अभी इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। मेरे ख्याल से कल का दिन मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद हो शायद ना हो, तो कल मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।